हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं मशरूम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लोग सोचते हैं कि मशरूम जो है ये सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं वही खाते हैं या लाइक ये खाने की चीज़ नहीं है, मगर इसमें बहुत सारे विटामिंस और मिनरल्स भरे हुए हैं। और मशरूम एक्चुअली ये एक वेजिटेबल भी नहीं, ये एक फंगस है। फंगस होता है उसी का होता है, और ये हम कंज्यूम करने से हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे ये बाहर रह के जो हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करता है और टॉक्सिफिकेशन में, वैसे हमारे बॉडी में ये जाके ज़्यादा टॉक्सिफिकेशन करता है। फंगस बहुत प्रकार के, मतलब ये जो मशरूम जो है बहुत प्रकार के हमें मिलेंगे। ये देखिए मेरे पास जो है ये बटन मशरूम है, क्योंकि ये बटन की तरह दिखते हैं, वाइट कलर के है। इसमें ब्राउन कलर में भी मिलते हैं, ब्लैक कलर में भी मिलते हैं। ये जो है ये अलग अलग साइज़ में भी मिलते हैं। ये थोड़े बड़े हैं और ये जो है मेरे पास ये थोड़े छोटे हैं। मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, भरे हुए होते हैं, इसीलिए मैं ये लेके आती हूँ और चेंज भी करती रहती हूँ। और ये है ड्राई वाले, सूखे वाले। अगर मुझे करना है ताज़ा तो मैं ये फ्रेश लेके आती हूँ। जैसे एक दो दिन में बनाना है तो ये आप लेके आ सकते हैं, मगर आपको ऐसे लगे कि आपको बनाना है मगर आपको पता नहीं कब बनाना है तो आप ड्राई भी ला सकते हैं। ये ड्राई जो है आपको ये थोड़ा पानी में, गर्म पानी में, थोड़ा सा वार्म पानी में, आपको गुनगुने पानी में 30 मिनट रखना है। फिर बाद में इसका पानी निचोड़ के इसको आप काट के फिर सौटे कर सकते हैं। ये जो मेरे पास है ये इसको कहते हैं शिटाके मशरूम्स, और ये जो है बटन मशरूम्स। मशरूम जो है ये हाई इन कॉपर होता है, इसमें बहुत सारे मात्रा में कॉपर आपको मिलेगा। कॉपर जो है हमारी ज़रूरत है, मगर बहुत काफ़ी कम मात्रा में लगता है, मगर आप कॉपर ज़रूर खाना ज़रूरी है। उस जिसमें लोग आजकल वो पानी पीते हैं कॉपर के बर्तन में, उससे तो ये अच्छा है क्योंकि आपको ये न्यूट्रिशन देता है और ये फूड की तरह काम करता है पूरे बॉडी में जाके। और इवन ये हाई इन विटामिन सी है और हाई इन सेलेनियम है। सेलेनियम जो है हमारे वो लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है, थायराइड में काम करता है और एंटी कैंसर का भी काम करता है। जो भी वीगन है, मतलब जो वेजिटेरियन है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनके लिए अगर विटामिन डी बोले तो सिर्फ उनको इसी में मिलेगा और किसी में नहीं मिल सकता है, ओनली इन मशरूम्स। तो अगर आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम है, विटामिन डी आपको नहीं मिल रहा है, जैसे आपके घर में कोई है जो बाहर नहीं जा सकते, तो उनको ज़रूर आप मशरूम खिलाइए। विटामिन डी की मात्रा इसमें भरपूर होती है, इवन कैल्शियम होता है तो कैल्शियम भी मिलेगा। और ये विटामिन बी से लोडेड है, काफ़ी सारा विटामिन बी है इसमें, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारा जो मूड स्विंग होता है और हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको भी ये कम करता है। और एक बात यह है कि अगर किसी को भी आयरन की डिफिशेंसी है, जिसको किसको भी आयरन नहीं है बॉडी में, लोह तत्व बोलते हैं, वो नहीं है, तो आप ज़रूर ये मशरूम खाइए हफ्ते में एक या दो बार, तो आपके बॉडी में लोह बहुत मिलेगा। आप उस ज़रूर ट्राई कीजिए। और जैसे मैंने कहा इसमें पोटेशियम भी बहुत है। पोटेशियम अगर आप 1 कप खाते हो तो उसमें 350 मिलीग्राम आपको पोटेशियम मिलेगा। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है शुगर का जो प्रॉब्लम होता है पोटेशियम कम होने से भी होता है। अगर आपके बॉडी में पोटेशियम कम है तो आपकी शुगर बढ़ती है, तो अगर आपका पोटेशियम लेवल बराबर है तो शुगर भी लेवल में रहती है। तो उसके लिए आप मशरूम खाइए। 1 कप अगर आप मशरूम खाते हैं 350 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम आपको मिल जाएगा, तुरंत आपके बॉडी को वो पूर्ति करेगा उसकी, और आपका जो ब्लड जो है और डायबिटीज़ आपकी कम हो जाएगी। तो आप उसका कॉज भी देखिए कि शुगर कैसे बढ़ रही है, पोटेशियम तो नहीं कम हुआ उसके कारण, तो वो ध्यान दीजिए। इवन इसमें कोलाइन करके बहुत है, कोलाइन जो हमारा फैटी लीवर होता है उसमें बहुत मदद करता है। अगर किसी का भी लीवर फैटी है या कोई ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और कुछ
तेल या इसका उसका खाते हैं और उनको पता है कि उनका जो लीवर है वो फैटी है, तो आप ज़रूर ये खाइए। उसमें कोलाइन भी बहुत मात्रा में है और ये ब्रेन में भी एनर्जी देता है, तो जिसका भी आईक्यू का प्रॉब्लम है तो उनको ज़रूर आप दीजिए, बहुत अच्छा है उनका माइंडसेट रखने के लिए। और ये कैंसर फाइटर है, जैसे मैंने बोला इसमें एक कंपाउंड होता है उसको कहते हैं बेटा ग्लूकोस, बेटा डी ग्लूकोस, जो हेल्प करता है हमारा ह्यूमन सिस्टम को फाइट करने के लिए अगेंस्ट कैंसर, तो बहुत अच्छी बात है ये। और इवन ये श्रिंक करता है ट्यूमर्स को, फाइब्रोड्स को, क्योंकि ये जो हमारा जो ब्लड में जो एस्ट्रोजन होता है, जो बैड टाइप का एस्ट्रोजन होता है, इसको कम करता है हमारे बॉडी में, उसके कारण ये कैंसर में बहुत काम आता है, ट्यूमर्स में काम आता है। तो किसी को भी कोई भी गाठिया है या कुछ है उसका प्रॉब्लम है, जैसे मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर सुनते हैं आजकल बहुत सारे लोगों को होता है, या समझ में नहीं आता है क्या, डाउट रहता है या कुछ ना कुछ, किधर ना किधर गाठी मिलती है तो सीधा डाउट लोग कैंसर के लिए बोलते हैं या डॉक्टर डराते हैं। तो आप डरिए नहीं, अगर आपको ऐसा कभी फील भी हुआ तो आप मशरूम ट्राई कीजिए और हफ्ते में 3 बार तो भी खाइए, 1-1 कप एटलीस्ट, जिसको भी ऐसे फील होता है तो ज़रूर कीजिए, 1 कप खाइए तो बहुत फ़ायदा होगा विदाउट मेडिसिन। और एक मशरूम होते हैं, वो मशरूम का नाम है कॉर्डसेप मशरूम करके एक आता है, वो किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा होता है या लंग्स में प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम है, जैसे टीबी बोल सकते हैं, ये अस्थमा है, मतलब वो सब रिलेटेड जो लंग्स में प्रॉब्लम होती है, जो भी इश्यू है, ये जो मशरूम जो है कॉर्डसेप CORDYCEPS ऐसा नाम है, कॉर्डिसेप मशरूम, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा, अगर वो खाते हैं ये मशरूम्स कॉर्डिसेप मशरूम्स तो उनका लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका बहुत ही हेल्दी रखेगा, अच्छा रखेगा। इवन ये मेटल डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है मशरूम्स, जैसे कि अगर आपने कुछ ऐसे खाया है इनडायरेक्टली और आपको पता है कि मेरे बॉडी में ये चीज़ गई है, जैसे सिल्वर फॉइल हुआ या बाल हो गए या कुछ भी, जैसे मेटल कुछ भी हो सकता है वो, तो जो भी फॉरेन थिंग्स हम लोग बोलते हैं ना जाती है, मेटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप ये ट्राई करो और देखिए आपके बॉडी में कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो निकल जाएगा, तो ये ज़रूर खाइए, ये बूस्ट आपके एनर्जी भी लेवल को बहुत अच्छा बूस्ट करता है, तो ये ज़रूर आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा है, आप हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार अगर आप खा सकते तो ज़रूर खाइए। अभी मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ मशरूम के बारे में। मशरूम जो है हमें कभी भी अच्छी क्वालिटी का लेना है और अच्छी जगह से लेना है, इम्पोर्टेंट इस अच्छी जगह से लेना है, आप कभी भी सस्ते के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि कुछ भी मशरूम कुछ कुछ जो होते हैं मशरूम वो पॉइजनस होते हैं, तो इसलिए मशरूम हमेशा आप लीगल शॉप से लीजिए और या खरीदिए, पर सस्ते के चक्कर में नहीं रहिए, क्योंकि ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं। अगर कोई और सेकेंड वाले ये है कि अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो वो एक मिश्राटी करके मैटाकी करके मशरूम आते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं मैटाकी, वो उसका कंज्यूम करें, वो कैंसर के लिए काफ़ी अच्छा है मैटाकी करके, तो आप ध्यान में रखिए या आप गूगल करके चेक भी कर सकते हैं मैटाकी मशरूम्स, वो बहुत ही फ़ायदा देगा। अगर किसी को भी कैंसर का प्रॉब्लम है या उससे पीड़ित है या आपको कुछ शक है, तो आप एटलीस्ट वीक में 3 बार 1-1 कप मशरूम ज़रूर खाइए, उसको सिर्फ आपको सॉटे करना है लहसुन के साथ, आनियन के साथ, और खाना है, बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है, अच्छा भी लगता है। तीसरी जो मेरी टिप्स है वही है कि आप कोई भी प्रॉब्लम का इश्यू हो या कुछ भी हो आप खा रहे हो तो जस्ट इसको सॉटे कीजिए, क्योंकि इसमें जो आपको जो भी न्यूट्रिशन है, काफ़ी न्यूट्रिशन आपको मिलेगा अगर आप ऐसे और ड्राई में खाते हैं, तो उसकी करी या उसके चक्कर में मत पड़िए या इसका कुछ और बना के खाएंगे, इसको सिर्फ ऐसे कंज्यूम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा।
और एक है फोर्थ तो टिप्स ये है कि जो प्रेगनेंसी में कोई भी अगर खाना चाहता है तो इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में मोस्टली देखा गया है कि उनको एलर्जीज होती है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको खाना ही है, इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें विटामिन्स मिनरल्स से तो ये भरपूर है, मगर आपका जो बेबी है उसकी जो इम्यून सिस्टम कैसी है हमें पता नहीं है। तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए और देन ट्राई कीजिए, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय, फिर मिलते हैं।